श्रावण मास के शनिवार को भैसोदा मंडी के त्रिवेणी धाम नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का बजरंगी के रूप में श्रृंगार हुआ। हनुमान जी महाराज को भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार कहते हैं, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को बजरंगी के रूप में सजाया गया। साथ ही भगवान शंकर और माता पार्वती का पुष्पों से विशेष श्रृंगार हुआ। मंदिर के पुजारी राजू ने बताया कि श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया जाता रहा है। जो भी भक्त चाहे नाम लिखवा सकता है। मंदिर समिति के राकेश शर्मा ने कहा कि सावन शिवरात्रि के अवसर पर सुंदरकांड का आयोजन डालू गोस्वामी द्वारा रखा, वहीं मंदिर समिति की ओर से साबूदाने की खीर प्रसादी के रूप में वितरित की जाएगी। भैसोदा मंडी पुलिस चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्री के द्वारा मंदिर भवन का सावन माह के चलते विशेष साज सज्जा और रंग बिरंगी लाइट डेकोरेशन करवाई गई है। भवानी मंडी वक्फ बोर्ड कमेटी ने जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के सदर रमजान खान का स्वागत सत्कार किया। वक्फ बोर्ड कमेटी सदर भवानी मंडी जाकिर मिंडा ने चार्ज रिपोर्ट जिला सदर को प्रेषित की और भवानी मंडी में वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रॉपर्टी की जानकारी दी। दौरान वक्फ बोर्ड नायब सदर इशाक अब्बासी, सचिव सगीर सागर, कोषाध्यक्ष अख्तर अली ने भी जिला अध्यक्ष रमजान खान का माला पहना कर स्वागत किया। मनोरथना पुलिस ने अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान के तहत शनिवार को 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनसे जुए की राशि भी जब्त कर ली है। गश्त के दौरान सूचना मिलने पर अकलेरा रोड नाल में ताश पत्तों पर जुआ लगाया जा रहा था, जिस पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी। 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर आरोपियों से जुआ राशि 5,840 जब्त की है। थाना प्रभारी ने बताया कि जुआ खेलते 6 आरोपी सिकंदर, दीपक, भगवान, अरशद, ललित, सोहेल को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ जिले के उंडल गांव में स्थित काली सिंह थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट तकनीकी खराबी के चलते बंद हो गई। 600 मेगावाट की दूसरी इकाई में विद्युत उत्पादन बंद हो गया। थर्मल प्रशासन के अनुसार बॉयलर ट्यूब में लीकेज खराबी कारण बताया जा रहा है। सारे मामले की जानकारी देते हुए चीफ इंजीनियर केसी मीणा ने बताया कि 600 मेगावाट क्षमता की पहली यूनिट पहले से ही सालाना मेंटेनेंस के चलते 21 दिन के लिए बंद है। ऐसे में इस शटडाउन के कारण दूसरी यूनिट से ही विद्युत उत्पादन चल रहा था, लेकिन अब बॉयलर ट्यूब में लीकेज हो जाने के चलते दूसरी यूनिट से भी विद्युत उत्पादन बंद हो गया है। काली सिंह थर्मल से पूरी तरह से विद्युत उत्पादन बंद हुआ है। फिलहाल थर्मल प्रशासन और इंजीनियर दूसरी यूनिट की मरम्मत के प्रयास में जुटे हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि देर रात तक यूनिट के फिर से शुरू होने की उम्मीद है। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। बजट घोषणा की पालना में नगरीय निकायों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने वाले सड़क निर्माणों कार्यों के राज्य स्तरीय शिलान्यास कार्यक्रम के साथ झालावाड़ जिले के नगरीय निकायों में भी 28 करोड़ की लागत से बनने वाली 38 सड़कों का शिलान्यास हुआ। इस दौरान झालावाड़ के मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत ने नगरीय सड़कों के कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया। आपको बता दें कि झालावाड़ क्षेत्र की 11 नगर पालिका, पिड़ावा क्षेत्र की 9 नगर पालिका, झालरापाटन क्षेत्र की 7 व नगर पालिका भवानी मंडी क्षेत्र की 11 सड़कों का शिलान्यास हुआ है। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। जिले को सौगातें मिली है नगरीय निकायों को, किस तरह की कितनी सड़कें हैं और कितनी राहत मिलेगी लोगों को? माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप, जैसा कि आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज पूरे राजस्थान में शिलान्यास किया है, उसमें झालावाड़ जिले में भी हमारे 5 नगरीय निकाय हैं और इन 5ों नगरीय निकाय में 34 करोड़ रुपए से लगभग 38 किलोमीटर सड़कों का, जिनका ऑलरेडी टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर हो गया है, कार्यादेश जारी हो चुका है, इनका काम जो है वो शुरू होना था, उसका शिलान्यास यहाँ हमारे माननीय समस्त जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया है। और ये बात सही है कि यहाँ बरसात भी काफ़ी पड़ती है और इस समय सड़कों की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो जो सावधानियां बरतें पर कभी कभी दुर्घटना घट ही जाती है। तुरंत तत्पर होने पर क्षति कम किया जा सकता है। जली हुई जगह पर तेल या पाउडर नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, घाव पे मॉइस्चराइजर, टूथपेस्ट, शहद या सीरा ना लगाएं। आइस या मिट्टी भी नहीं लगानी चाहिए। जली हुई जगह को 10 से 15 मिनट तक
बहते हुए पानी के नीचे रखना चाहिए। घाव को रुई से ना ढकें, बल्कि साफ पट्टी का इस्तेमाल करके ढीले से बांधना चाहिए। छालों को फोड़ना या रगड़ना नहीं चाहिए। कोई और बीमारी ना हो तो दर्द कम करने के लिए इबुप्रोफिन जैसी दवाई लेने के बाद डॉक्टर से संपर्क कीजिए। जलने के घाव कई तरह के होते हैं। अगर सिर्फ ऊपरी घाव हो तो दर्द कम होगा और थोड़ी सी सूजन हो सकती है। छाले पड़े या चमड़े के नीचे की मार्क्स दिखने लगे तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बिल्कुल दर्द महसूस ना हो या अनुमान से कम हो तो हो सकता है कि नस भी जल गई है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क